हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हो, तो आज की जो वीडियो है भाई वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में यहाँ पर अनबॉक्सिंग करने वाले हैं लावा यूबा 2 प्रो की, ठीक है, जो कि अभी एक नया फोन आया है लावा की तरफ से। और भाई ये फोन काफ़ी जबरदस्त होने वाला है, तो भाई वीडियो पूरा देखना शुरू से लास्ट तक, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो फोन भाई काफ़ी जबरदस्त है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करें तो इसमें आप देख सकते हो आपको लुक को डिज़ाइन काफ़ी मस्त है। तो ये हमने जो है यहाँ पर ग्लास ग्रीन कलर का यहाँ पर ये परचेज किया है। आप इसका लुक जो देख सकते हो बीच वाला जो फोन है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं लुक की, डिजाइन को आपको दिखाऊंगा सारी चीजें, लेकिन उससे पहले आपको इसमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं वो आप देख लेना, ठीक है। सबसे पहले यहां पर हम बात करें तो आपको इसमें 4 GB रैम मिलती है और आपको 64 GB भाई इंटरनल मेमोरी कार्ड आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। प्रोसेसर की बात करें तो प्रोसेसर मिलता है आपको इसमें MediaTek हेलो G37 का प्रोसेसर मिलता है, और यहाँ पर आपको 13 MP के साथ ऑल ट्रिपल कैमरे का सेटअप मिलता है, जिसमें आपको फ्रंट कैमरा 5 MP का मिलता है, जिसे आपको सेल्फी कैमरा बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है और आपको 5000mAh की बैटरी मिल जाती है, जो काफी अमेजिंग है। यानी कि बैटरी बैकअप तो सही होगा ही होगा, लेकिन टाइप सी चार्जिंग पोर्ट है बहुत ही मस्त एकदम से, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम बात करें आपको 6.5 इंच की आपको HD+ नोच डिस्प्ले मिल जाती है, ठीक है। एंड्रॉइड आपको 12 के बेस पर ही आपको फोन जो मिल जाएगा, और आपको साइड फिंगरप्रिंट सेंसर भी साथ में देखने को इस फोन में मिलने वाला है, ठीक है। डबल स्पीकर आपको देखने को मिलेगा, बाकी चीजें जो है हम जो है इसको अनबॉक्सिंग करने के बाद दिखाएंगे। और यहाँ पर सबसे मेन चीज है भाई, ये मेड इन इंडिया है प्योर, ठीक है। तो चलिए इसको आज जो हम अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाने वाले हैं। भाई वीडियो पसंद आए तो भाई जरूर से लाइक करके जाया करो, ठीक है। और भाई जो भाई भी चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कर लेना, जिससे जो भी नई वीडियो डलेगी भाई वो आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी, ठीक है। तो चलिए इसके अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं भाई फोन का जो लुक है, भाई डिजाइन है, वो भाई कैसा होने वाला है, ठीक है। चलिए इसको सबसे पहले यहां पर जो है अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो इसको सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अनबॉक्सिंग करते हैं, ठीक है। तो इसको सील ब्रेक कर लेते हैं, तो इसको मैंने यहां पर कर लिया है, और इसको भी चलिए, तो इसको भाई साहब यहाँ पर मैंने देख सकते हो सील ब्रेक कर लिया। इसको सबसे पहले यहाँ पर अलग रख करते हैं, और यहाँ पर सबसे पहले इसको जो बॉक्स से बाहर निकालते हैं, ठीक है। चलिए इसको यहाँ पर हमने सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल रख लिया है। इसको रखने के बाद यहाँ पर जो है अब हमें मिलता है भाई फोन, ठीक है। सबसे पहले अगर फोन के अंदर देखोगे तो यहाँ पर आपको कुछ बॉक्स मिलता है, जिसके अंदर यहाँ पर हम बात करें तो सबसे पहले देखोगे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपको केस मिलता है, ठीक है, केस मिलता है, और यहाँ पर आपको पिन मिल जाती है, ठीक है। चलिए इसको साइड में रखते हैं, और यहाँ पर आपको जो है केस की क्वालिटी यहाँ पर आप देख सकते हो तो काफ़ी मस्त है। और यहाँ पर मैंने बताया रखा है पहले से भी, क्योंकि कुछ फ़ोनों के साथ ये केस आते हैं, क्योंकि ट्रांसपेरेंट केस है, और इसकी जो क्वालिटी है भाई बहुत ही मस्त है एकदम से, ठीक है, बिल्कुल एकदम से सॉफ्ट है। तो इसको चलिए साइड में रखते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमें कुछ मिलती है यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन, देख सकते हो यहाँ पर ये कुछ मिलता है, ठीक है। तो इसको आप जो रेट कर सकते हो, बाकी हमें फ़ोन मिलता है। चलिए फ़ोन को भी यहाँ पर हम देख लेते हैं, ठीक है। तो फोन है सबसे पहले, फोन को यहाँ पर हम साइड में रखते हैं। इसको साइड में रखने के बाद यहाँ पर हमें मिलता है यहाँ पर देख सकते हो टाइप सी का चार्जिंग केबल। तो यहाँ पर टाइप सी का चार्जिंग केबल मिल जाता है, आप देख सकते हो ये टाइप सी का है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम बात करें बॉक्स के अंदर आपको और चीज मिलती है, वो यहाँ पर आपको मिल जाता है, देख सकते हो यहाँ पर एक मिलता है चार्जर, ठीक है। तो एडोप्टर की बात करें तो यहाँ पर ये काफी हैवी है, ठीक है, काफी अच्छा है, और यहाँ पर जो है फास्ट भी है, ठीक है। तो चलिए इन चीजों को यहाँ पर हम साइड में रखते हैं और आते हैं हम अपने फोन की तरफ, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो फोन यहाँ पर जो है आ चुका है, और भाई फोन का जो कलर है ना वो आपको भाई बहुत ही ज्यादा मस्त लगेगा, और यहाँ पर आपको काफी अच्छी फील भी आने वाली है, क्योंकि आपने देखा होगा कि यहाँ पर एक फोन पहले भी इस तरह का मार्केट में आ चुका है, जिसका था जो रियलमी C35 था, ठीक है। उसकी अनबॉक्सिंग मैंने कर रखी है, जाकर के आप जो मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो। लेकिन भाई उसमें और इस वाले फोन में काफी अंतर है, क्योंकि हैंडसेट की बात करें देखो थोड़ा सा सेम तो आपको देखने को लगेगा ही, लेकिन भाई काफी अलग भी होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो पीछे की साइड में आपको एक जो है लावा का लोगो मिल जाएगा, बाकी जो है पीछे की अगर बात करें तो पीछे आपको जो है ये ग्लास मिलता है, ठीक है, ग्लास में मिलता है, जिससे जो है इसमें शाइनिंग और ज्यादा आपको देखने को मिल जाती है। इसी के साथ यहाँ पर आपको ट्रिपल कैमरे का सेटअप मिल जाता है, जिसमें आपको 13 MP का आपको जो है मेन कैमरा मिलता है, ठीक है। और बाकी आपको जो देख सकते हो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट आपको सेंसर मिल जाता है, और यहाँ पर आपको वॉल्यूम अप डाउन मिलते हैं। साइड में नीचे की बात करें तो नीचे आपको पोर्ट मिल जाते हैं, सबसे पहले मिलता है यहाँ पर आपको देखते हो एक स्पीकर, और यहाँ पर आपको टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिल जाते हैं, माइक मिलते हैं, और यहाँ पर आपको 3.5 mm का ऑडियो हेडफोन जैक। ऊपर की बात करें तो यहाँ पर आपको सिम स्लॉट मिल जाती है, जिसको आप जो है डबल सिम कार्ड यूज कर सकते हो इजिली, ठीक है। ऊपर यहाँ पर कोई भी सेंसर आपको देखने को नहीं मिलता है, बाकी फ्रंट कैमरा आपको जो नोच डिस्प्ले मिल जाता है, जो कि आपको 5 MP का फ्रंट कैमरा मिलता है। बाकी डिस्प्ले आपको मैंने बताई दिया है आपको, ठीक है। और ये पीछे जो आपको है भाई लुक बहुत ज्यादा पसंद आएगा, हैंड फील की बात करें तो काफी मस्त एकदम से हैंड फील आने वाला है, तो यहां पर आप जो देख सकते हो, ठीक है।
तो क्योंकि Realme C35 में आपने देखा होगा भाई, उसमें जो है फील है काफी, ये है आपको थोड़ा सा हैवी लगता है, ठीक है, जिसमें अच्छी आपको फील देखने को नहीं मिलती है, लेकिन अगर आप इसको हैंड फील लोगे तो भाई काफी मस्त फीलिंग आने वाली है, ठीक है, एकदम से, ठीक है। चलिए फोन यहां पर ऑन करते हैं और आपको दिखाने वाले हैं इसको जो कैमरा है, बाकी सारी चीजें हैं, फोन को ऑन करने के बाद डिस्प्ले, ठीक है, बहुत सारी चीजें। तो भाई आप कमेंट करके जरूर बताना फोन का जो लुक है भाई वो अभी तक कैसा लगा, ठीक है। पसंद आया हो तो भाई वीडियो को एकदम से लाइक कर देना, ठीक है, बाकी वीडियो में आप बने रहो। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो फोन भाई वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। जैसे यहाँ पर आपके सामने पूरा फोन कंप्लीट होगा तो इस तरीके का सेटअप आएगा। ये आपको सबसे पहले सेटअप कंप्लीट करना है। स्टार्ट करने के बाद आपको यहाँ पर स्किप पे क्लिक कर देना है। जैसे जैसे मैं आपको सेटअप कंप्लीट करना बताता हूँ भाई, आप ऐसे ऐसे कर लेना, ठीक है। आपको सेटअप कंप्लीट करना है और आपको सेटअप ऑफलाइन पे क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जब भी आप कोई नया फोन जो है ऑन करते हो तो भाई इस तरीके का सेटअप मिलता है, या आप कोई भी फोन जो है रिसेट करते हो तब भी इस तरीके का सेटअप मिलता है। ये आप जिन लोगों से भी कंप्लीट नहीं होता तो भाई ध्यान से देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा, आपको नीचे आना है और आपको ऐप सेट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको फिर से यहाँ पर देखते हो, यहाँ पर आप जो है पिन लगाना चाहते हो, लॉक लगाना चाहते हो, लगा सकते हो। आपको स्किप पे क्लिक करके स्किप पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप स्किप पे क्लिक करोगे यहाँ पर जो आपका फोन है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, ऑन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो फोन हमारा फाइनली पूरा कंप्लीट जो है हो चुका है। ऊपर यहाँ पर आपको देखोगे, जैसे ऊपर से आप नीचे स्लाइड करोगे तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम जो इसकी ब्राइटनेस को फुल कर देते हैं और यहाँ पर जो है कुछ और भी चीजें हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आपको जो है एंड्रॉइड 12 मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको जो फीचर्स हैं भाई वो काफी जबरदस्त मिल जाते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको हर फोन में इस तरीके के फीचर्स आपको देखने नहीं मिलते, तो भाई ये चीज आपको देखो यूनिक लगेगी काफी, ठीक है। देखो इस तरीके की काफी यूनिक चीज लगने वाली है ये, ठीक है। पावर ऑन ऑफ वाला बटन भी यहाँ पर मिलता है, ये साइड आपको सेटिंग का ऑप्शन यहाँ पर इजीली मिल जाता है, तो इसको आप यूज कर सकते हो, ठीक है। बाकी यहाँ पर देखो डिस्प्ले आपको काफी अच्छी मिल जाती है, तो डिस्प्ले चलाने में यानी फोन चलाने में काफी आपको मजा आने वाला है, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि आपको जो फोन है बिल्कुल भी लैग हैंग का इसको कोई दिखाई नहीं देगा जल्दी से, ठीक है, क्योंकि आपको जो इसकी रैम है वो भी अच्छी है और आपको स्टोरेज है वो भी आपको काफी ज्यादा मिल जाती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, देख सकते हो यहाँ पर सबसे पहले चलते हैं फोन की सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में जाने के बाद जैसे ही सेटिंग्स पे ऑन करते हो तो यहाँ पर आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको जाना है अबाउट फोन पे। अबाउट फोन पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, जैसे एंड्रॉइड वर्जन आपको जो है 12 देखने को मिल जाएगा, और आपको जो है इसमें जो है इंटरनल मेमोरी कार्ड मिल जाती है आपको 64 GB, आपको 4 GB रैम मिलती है, और यहाँ पर आप जो सिम डबल कार्ड यूज कर सकते हो, और यहाँ पर आपको सारी चीजें देखने को मिल जाती है, ठीक है। चलिए इसको यहाँ पर हटाते हैं और यहाँ पर देखते हैं कैमरा। लेकिन कैमरे से पहले यहाँ पर हम जान लेते हैं इसका प्राइस जो है भाई प्राइस क्या होने वाला है, ठीक है। काफी लोग पूछ रहे होंगे भाई इसका जो प्राइस है प्राइस बताओ। सबसे पहले इसका प्राइस जो है भाई वो 9,300 रुपए का आपको जो है फ्लिपकार्ट पे देखने को मिल जाएगा। अगर आपके पास किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड है जिसपे भी आपको सेल चल रही है, छूट चल रही है, तो उस पर आपको 5% का और डिस्काउंट मिल जाएगा, जिसमें आपको 500 रुपए और लेस हो जाएंगे, ठीक है। तो वो आपके पास अगर क्रेडिट कार्ड तो आप यूज कर सकते हो इजिली, या तो आपको इतने का ही मंगा सकते हो, ठीक है। वैसे फोन आपको भाई फाइनली बहुत ही पसंद आएगा, जैसे कि मैंने यहां पर देखा स्टार्टिंग में, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर हम एक बार कैमरा भी इसका देख लेते हैं, क्योंकि कैमरे का सेटअप जो है भाई काफी अच्छा लगता है। तो कैमरा यहां पर आप देख लेना, कैमरा भी काफी अच्छा है यहां पर, ठीक है। तो यहां पर देख सकते हो सबसे पहले इजिली क्लिक करना है और आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। इमेज यहां पर आपकी आ चुकी है, तो भाई इमेज देख लेना आप बिल्कुल इमेज, ठीक है। इमेज आप देख सकते हो काफी क्लियरली एकदम से, ठीक है। तो भाई फोटो भी काफी अच्छे हैं और कैमरा भी काफी मस्त है, ठीक है। कैमरे के फीचर्स आपको नाइट मोड का ऑप्शन मिल जाते हैं, नाइट में अच्छी खासी आप जो फोटो क्लिक कर सकते हो, ठीक है। नाइट मोड में अगर आपको इवनिंग के समय या नाइट में अगर फोटो क्लिक करनी है तो भाई नाइट मोड आप जरूर यूज करना, काफी यूजफुल होता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको वीडियो का ऑप्शन मिलता है, वीडियो वाले ऑप्शन पे आप यहाँ पर जो वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। सेटिंग जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर आपको सारी चीजें देखने को मिल जाती है, जैसे कि आप जो है यहाँ पर वीडियो की क्वालिटी भी देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप जो 1080p में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, और 720p में भी, और 480p में भी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है फुल HD में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, काफी अच्छी क्वालिटी आपको देखने को मिल जाएगी। फोटो यहाँ पर आप जो क्लिक कर पाओगे इजिली, ठीक है। और आपको पोर्ट्रेट मोड यूज करना है तो भाई कर सकते हो, क्योंकि पोर्ट्रेट मोड से आपको पता ही है अगर आपको अच्छी खासी बैकग्राउंड में कोई ब्लर के साथ फोटो लेनी है तो आप जो पोर्ट्रेट मोड जो है यूज कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन मिलते हैं, GIF का ऑप्शन मिलता है, प्रो मोड का मिलता है, प्रोमो का, ये सारे स्लो मोशन के इसके अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। फ्रंट कैमरा आपको भाई सेम ही चीज देखने को मिल जाती है, काफी अच्छे कैमरे होते हैं, ठीक है। तो आपको फोन भाई कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर जो भाई भी नए हैं पहली बार आए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को और भी प्रेस कर लेना, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।